हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यूट्यूब के 3 इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब के यह 3 सेटिंग को कैसे अनेबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर यूट्यूब चलाते हैं तो आपको ये 3 इम्पोर्टेंट सेटिंग जान लेने चाहिए। तो इसे जानने के लिए आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित और स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस गुरु ज्ञान चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। YouTube का पहला सेटिंग है डार्क थीम। दोस्तों, डार्क थीम को अनेबल करने से पहले जान लेते हैं डार्क थीम को अनेबल क्यों करना चाहिए। तो इसके सिंपली 2 बेनिफिट्स हैं। पहला कि डार्क मोड आपकी बैटरी को बचाता है, और दूसरा कि डार्क मोड को अनेबल करने से आपकी आंखों को कम नुकसान होता है वाइट के कंपेरिजन में। तो यूट्यूब में डार्क मोड को अनेबल करने के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब ऐप को ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो यहाँ पर राइट कॉर्नर में ऊपर जो आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जनरल में जाए, देन यहाँ पर सेकंड नंबर में जो डार्क थीम है उसको ऑन कर दीजिए, तो आपके यूट्यूब में जो डार्क मोड है वो अनेबल हो जाएगा। तो दूसरा सेटिंग आता है सब्सक्रिप्शन काउंट। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने जो सब्सक्राइबर है उसको हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने नई चैनल बनाई है और उसमें सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है तो ये डायरेक्टली आपके व्यूज पर या फिर आपके सब्सक्रिप्शन पर इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी चैनल पे कम सब्सक्राइबर होने के कारण आपके व्यूअर्स को ऐसा लगेगा कि आप में कोई नॉलेज नहीं है या फिर टैलेंट नहीं है। फिर चाहे आप में कितना भी नॉलेज क्यों ना हो या फिर कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना डालो, फिर भी कम सब्सक्राइबर की वजह से वो लोग सोचेंगे कि आप में कोई नॉलेज नहीं है, फिर वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और स्किप करके आगे चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर दो, तो आपके सब्सक्राइबर किसी को नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे यूट्यूब के चैनल है यहाँ पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। तो इसको हाइड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाइए। वहाँ पर सर्च बार में www.youtube.com टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन होती है वैसे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऊपर राइट कॉर्नर में इस आइकॉन पर क्लिक करना रहेगा। देन यहाँ पर नीचे दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो है 3rd नंबर पे, उस पर क्लिक करना रहेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो उस सेटिंग पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर दोस्तों, आपको चैनल पर क्लिक करना रहेगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको बैटर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पर आ जाइए मेंबर नंबर पर। तो यहाँ पर लिखा है शो द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबेड टू माई चैनल, तो यहाँ पर जो टिक मार्क लगाया हुआ है उसको हटा दीजिए। देन यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस सेव पर क्लिक करके इसे सेव कर दीजिए। तो आपका जो सेटिंग वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो अब दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं कि आपके जो सब्सक्राइबर है वो हाइड हो चुके हैं। अब आपके किसी भी व्यूअर्स को आपके जो सब्सक्राइबर है वो नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा सेटिंग आता है कॉमेंट विजिबिलिटी का। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने वीडियो के कॉमेंट्स को डिसेबल कर सकते हैं या फिर कॉमेंट्स को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ बार ऐसा होता है कि आपने बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड किया हुआ होता है, बट फिर भी कुछ ऐसी गंदी या फिर नेगेटिव कमेंट्स आती रहती है और इससे आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन को डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने वीडियो में कमेंट सेक्शन को क्लोज करने के लिए पहले की तरह आप वही यूट्यूब स्टूडियो में जाएँ। यूट्यूब स्टूडियो में जाकर दोस्तों, यहाँ पर आपको सेकंड नंबर में वीडियोज़ का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कीजिए। देन आप जिस भी वीडियो का कमेंट्स क्लोज करना चाहते हैं उस वीडियो पर क्लिक कीजिए। तो इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर आपको जो मोर ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों, आपको कमेंट्स एंड रेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जो कमेंट्स डिस्प्ले सेटिंग्स है उस पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर आपको जो क्लोज कमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए।
इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक और सेटिंग्स बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप अपने वीडियो की जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है उसको हाइड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो नीचे टिक मार्क लगाया हुआ है, यूजर्स कैन सी द रेटिंग्स ऑफ दिस वीडियो, तो वहाँ से टिक मार्क हटा दीजिए और इसके बाद यहाँ से सिंपली आप सेव कर दीजिए। तो दोस्तों अब आपका जो सेटिंग्स है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब कोई भी पर्सन आपके वीडियो पर कमेंट्स नहीं कर सकता और ना ही कोई इसे पढ़ सकता है। इसके साथ ही आपने जो टिक मार्क हटाया था, अब कोई भी व्यूअर्स आपके वीडियो के लाइक और डिसलाइक को देख नहीं सकता। तो ये थे दोस्तों YouTube के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो जानने बहुत ही ज़रूरी थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में बाजू में दिए गए घंटे को भी बजा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।